नमस्ते चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। कभी आइए ना घर पे। हाँ कभी आऊंगा आऊंगा। अरे कभी क्यों, अभी चलिए ना एक साथ करेंगे नाश्ता। जब एक बार खाने का नाम लेते हैं ना तो उसे खाना ही पड़ता है। नहीं चाचा जी। अरे अपशकुन होता है। लो 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 लो। अरे ये कोई तरीका है भुजिया खिलाने का? मेरा पूरा शर्ट खराब कर दिया। कहाँ कहाँ से चले आते गवार लोग। अरे आप इस सोसाइटी में क्या, इस शहर में रहने के लायक नहीं है। की बातों से उनको इतना बुरा लगा है कि वो कहीं चले गए हैं। अभी तक घर वापस नहीं आए। और अगर उनको कुछ हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। चल टप्पू। अरे बाप रे। देखा, अब उन्हें कुछ हो गया ना तो सारा दोष आप पर आएगा। ठीक कह रही हो। क्या होगा? हे माता जी, मेरे ससुर जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा करना। दादाजी सिर्फ एक बार मिल जाए। अगर सोनू मेरी दोस्त ना होती तो मैं भीड़े को देख लेता। अरे टप्पू, जिनका मुंह कड़वा होता है उनको जबरदस्ती मीठा शीरा खिलाने से भी कोई फायदा नहीं। उनका मुंह कड़वा का कड़वा ही रहता है। अगर दादाजी को फिर से कुछ हो गया तो? हे माता जी। नहीं नहीं टप्पू, तुम्हारे दादाजी की रक्षा तो माँ भगवती करेगी। पर भीड़े जी की करामत मैं सोसाइटी वालों को कह दूंगी। शिक्षक होकर भी उनमें इंसानियत नहीं है। भीड़े अंकल हमें सोसाइटी से निकालने चले थे, उसका मैं रहना क्या जीना आराम कर दूंगा। टप्पू, तुम्हारे पापा को फोन करे। नहीं माँ, वो तुम्हारी गलती बताएंगे। पर माँ, दादाजी को तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। टप्पू एक काम करते हैं, तुम्हारे दादाजी को बाहर जाकर ढूंढते हैं। चल बेटे चल। क्या करूं? अरे हाँ, जाके मेहता साहब से मिलता हूँ। वो जेठालाल के खास दोस्त हैं, वही रास्ता बताएंगे। वो तो बाहर गए हैं भिड़े भैया, पर बात क्या है? बात दरअसल ये है अंजलि बहन के। I'm sorry भीड़े भैया, पर इसमें गलती आपकी है। वो तो आपको कितने प्यार से खिला रहे थे ना। हाँ वो सही है, क्या करूँ, सुबह से परेशान था और सारा गुस्सा चाचा जी पर उतर गया। अक्सर ऐसे ही होता है, कहीं का गुस्सा कहीं पर उतर जाता है, बाहर का गुस्सा घर में पत्नी पर उतर जाता है। मुझे तो ऐसा करने का भी मौका नहीं मिलता। मैं तो एक जनरल एग्जाम्पल दे रही थी, पर आप पहले ये सोचिए कि चंपक चाचा गए कहाँ। इस शहर में बेचारे अजनबी है, कहीं गलत रास्ता भटक गए तो वापस कैसे आएंगे। एक काम कीजिए, आप पहले जेठा भाई से जाकर बात कीजिए। हाँ वो तो मैं करूंगा, लेकिन पहले चंपक चाचा मिल जाए, फिर वो जो खिलाएंगे वो खाऊंगा। भुजिया खाऊंगा, चटनी खाऊंगा, वो सांजा खाऊंगा, उपमा खाऊंगा, शीरा खाऊंगा, इवन सॉरी भी खाऊंगा। मेरा मतलब है कहूंगा, लेकिन वो आ तो जाए। हा, कमाल है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया ना? जेठा भाई, मुझे लगा ही मैं गलत घर में आ गया हूँ। सॉरी हाँ भीड़े भाई। नहीं नहीं, ये आप ही का घर है। अच्छा तो आप लोग गलत घर में आ गए हो। नहीं नहीं, एक्चुअली हम आपके घर आए हैं आपसे माफी मांगने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ कर दूं? क्यों? दरअसल बात यह है कि देखिए, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए भाभी जी, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मतलब आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं एकदम खुला दिल वाला आदमी हूँ। क्या मैंने भी थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा है, उसमें विद्वान लोग बोल के गए कि अगर कोई सच्चे मन से माफी मांगे तो उसको माफी दे देनी चाहिए। नहीं नहीं, आप इन्हें माफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ले क्यों? क्योंकि इनकी वजह से बाबूजी का अपमान हुआ है। उन्होंने बाबूजी का अपमान किया है। बाबूजी को प्रेम से ही बच्चा खिलाया, उन्होंने अपमान कर दिया। बाबूजी का क्या हुआ होगा उन्हें बिल्कुल नहीं सोचा। और बाबूजी को इनकी बात का इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर चले गए। हमारे बाबूजी के गुनहगार यही है, यही है, यही है, यही है, यही है।
फिंडे, तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे बापूजी गुम हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बापूजी का अपमान करने के लिए? अरे लेकिन अभी तो कहा आपने शास्त्रों में लिखा है कि अरे शास्त्र गया तेल लगाने। अभी शास्त्र नहीं, मैं शास्त्र निकालता हूँ शास्त्र। लेकिन आपने मुझे माफ कर दिया था ना? वो माफी मैं वापस लेता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी की अपमान करने की? तुम्हारी वजह से मेरे बापूजी गुम हो गए। तो अब हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? मैंने कितने प्यार से इन्हें हाथों से शीरा बनाया था, पता नहीं उन्होंने खाया भी होगा कि नहीं। तो उसमें गलती तुम्हारी है। पर मैंने तो शीरा दे दिया था। अरे वो शीरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भजिया और शीरा लेके सोडी बह के घर पर जाने की जरूरत क्या थी? हैं? इसका मतलब क्या? मतलब दादाजी आ गए। बापूजी आ गए? आप कहाँ चले गए थे बापूजी? मेरे डब्बू के लिए ढोल लेने। पर बापूजी बता के तो जाना चाहिए, एक तो आजकल जमाना कितना खराब है, हमें आपकी कितनी चिंता हो गई थी। आइडिया पापा, दादाजी को नया मोबाइल दे दो। अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बापूजी मैं कल के कल दुकान से आपके लिए एक फर्स्ट क्लास नया मोबाइल लेके देता हूँ। चाचा जी, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे चल चल, अबे तेरी बात का बुरा मानूंगा, इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, हैं? अरे मैं तो जानता हूँ, ये मास्टर लोग का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, बच्चे लोग को डांटते ही रहते हैं लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता। एकदम सही पहचाना आपने, ऐसे ही है ये। ये ये भिड़े अब आए ही हो तो चलो सब मिलके खाना खाते हैं। अरे चाचा जी, इसकी तकलीफ क्यों कर रहे हैं आप? अरे चल चल अबे। अभी आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो ठीक है, तो चलो तुम्हारे घर। सेठ जी। हाँ कौन? आइए आइए नंटू काका। आपने ये नया मोबाइल मंगवाया था ना? हाँ। तो नया सिम कार्ड डाल के चार्ज करके सब चेक करके ले आया हूँ। हाँ। और इसका सब सामग्री अंदर रखा है, चार्जर है, बॉक्स है, बिल भी अंदर रखा है। अच्छा ठीक ठीक है, आप दुकान जाइए, मैं आता हूँ। हाँ तो मैं दुकान न जाऊंगा ना बापा, मैं किधर आडावड़ा जाऊंगा, दुनिया में मेरा कौन है आपकी दुकान के सिवा है। हाँ। दुकान जाता हूँ। ठीक। हाँ, सेठ जी। हाँ। ये मोबाइल का बिल किसके नाम पे बाकी रखूँ? क्योंकि आप बिल के बारे में पूछेगा, हिसाब पूछेंगे तो हिसाब कौड़ी नो बक्सीस लाख नहीं, बराबर छे बापा? तो किसके नाम पे? वो बिल मेरे नाम पे बाकी रख दो बस। आपके नाम पे? आपके पास तो एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल करको करने का खोटा खर्चा नहीं करने का मोहगवारी में। मैं दो मोबाइल वापरू, आपको कोई तकलीफ है? नहीं बापा, मेरे को क्या तकलीफ हो सकता है? आप एक वापरो, दस वापरो, पूरी दुकान वापरो, पूरा दिन घंटड़ी सुनता रहो करता रहो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। बस आप दुकान जाओ, मैं आता हूँ। हाँ तो मैं दुकान जाता हूँ। अरे जाओ अभी नटू काका, सब मुझे क्यों ऐसे मिलते हैं? मेरे चारों तरफ ऐसे ही है सब। बापूजी आपके लिए नया मोबाइल मंगवाया है। ये गधेड़ा, धीमे बोल, मैं तेरा नटू काका नहीं हूँ, मुझे सुनाई देता है। अल्लाह ये क्या, इतना छोटा फोन, लंबी बात होगी? अरे बापूजी जितना छोटा फोन उतनी ज्यादा कीमत होती है। ये गधेड़ा, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तो जवाब क्या दे रहा है? पैसे की बात छोड़, लंबी बात होगी कि नहीं होगी? बापूजी जितनी मर्जी उतनी लंबी बात कर सकते हैं इसमें। अच्छा? हाँ, अभी टेंशन की कोई बात ही नहीं है, अभी कभी भी कहीं भी गुम हो जाओ फोन कर देना। लेकिन ये फोन ही गुम हो जाएगा तो कैसे फोन करूंगा? मैं फोन की नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे मैं कोई बच्चा हूँ तो गुम हो जाऊंगा? बापू जी अभी दो बार तो आप गुम हो गए ना, क्या हम सब इतना परेशान हो जाते? लेकिन अभी मैंने कहा ना टेंशन की कोई बात ही नहीं है, अभी हम आपको फोन कर सकते हैं, ये मोबाइल आपके पास आ गया है ना। अभी बापू जी मैं ना अपने मोबाइल से आपको ये मोबाइल पे फोन करता हूँ, आप फोन उठा के बात करना। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अरे गाना ही सुनाते रहोगे कि बात भी करोगे? नहीं बापूजी, फोन उठा के मतलब वो हरा बटन है ना, वो दबा के बात होगी। ये हरा वाला? हाँ। ये लाल वाला किस लिए है? वो बात हो जाने पर फोन ऐसे काटने के लिए है। तो मैं ऐसे रख दूंगा तो कट नहीं जाएगा?
नहीं ऐसा नहीं होता है कट, वो लाल बटन दबाना पड़ता है। ठीक है हाँ, अभी हरा दबाइए। हाँ हाँ अभी बात कही। हेलो 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 चंपक बोलो। हाँ बाबूजी जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन दो दो सुनाई दे रही है। अब कौन सी सुनूं, ये मुंह वाली की फोन वाली? नहीं नहीं फोन में से आवाज सुनाई दे रही है। हाँ हाँ सुनाई दे रही है। हाँ वो मेरी ही है। अच्छा वो सुनिए। हाँ हेलो चल लगता हूँ फोन। बाय दादाजी। हाँ टप्पू रुक रुक, ये देख ये देख। वाओ ना मामा ही। बस बस बेटा दूर से ही देखने का। बेटा सुनिए सुनिए। हाँ। मुझे भी बापूजी से बात करनी है। हाँ तो करो। नहीं ऐसे नहीं। तो फोन पर मोबाइल पर? क्यों? अरे बापूजी जब से गांव से यहाँ आए एक बार भी फोन पर बात नहीं हुई, कितने दिन हो गए। तुम पागल पागल हो तुम? हे भगवान किससे पाला पड़ा, ये कब सुधरेगी? क्या कब सुधरेगी, कब सुधरेगी कहते हो? अरे इधर एक बात पर बस भड़क ही जाते हो। मैंने फोन पर बात करने को बोला है, नया फोन लाने को थोड़ी बोला है। हे भगवान इनको। चुप रे। ये जेठा ये तूने मुझे फोन दे तो दिया, लेकिन मुझे फोन करेगा कौन? डोंट वरी दादाजी, आपका नंबर सबको पता चल जाएगा। है? चलो बाबूजी मैं दुकान जाके आता हूँ। दोपहर को खाना खाने आ जाऊंगा। और कुछ बोलना तो बहुत कुछ है, पर सुनते कौन है? और हमेशा ऐसा करते रहते हैं। कुछ नहीं चलो। ए टप्पू इसमें तो कितने सारे बटन है, इतने बटन तो तेरे शर्ट में भी नहीं है। दादाजी हाँ टप्पू आपको सब सिखा देगा कि कौन सा बटन कब दबाया जाता है। अरे वाह टप्पूड़ा। अरे दादाजी चॉकलेट खिलाओ, मोबाइल आ गया। अरे अरे खिलाऊंगा सबको खिलाऊंगा, पहले मुझे फोन सीखने तो दो। दादाजी हाँ मैंने आपके मोबाइल में सबके नंबर फिट कर दिए, आप कभी भी किसके साथ भी बात कर सकते हैं। अच्छा हाँ। या टप्पू अब मुझे ये बता इसमें सीखने जैसा क्या है? SMS। SMS। मतलब? देखो दादाजी अगर किसी का फोन ना लगे ना तो आप फोन के द्वारा मैसेज कर सकते हो। मैसेज मतलब क्या? संदेश। क्या इस फोन से संदेश भेज सकते हैं? तो फिर पोस्टमैन क्या करेगा? दादाजी आप भी ना। चल अब मुझे सिखा सिखा वो संदेश भेजने का सिखा। देखो मैं लिखता हूँ आई लव यू। मतलब? मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा हाँ। अरे वाह टप्पू, अरे मैं भी तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ला ला मुझे दे। दादाजी दादाजी हाँ? क्या कर रहे हो? क्यों क्या हुआ दादाजी आपने क्या किया? क्या हुआ? कोमल आंटी को मैसेज भेज दिया। ओ तारीनी ये तो घोटाला हो गया है। आई लव यू डेर, किसकी जुर्रत है ये? अरे ये देखो किसी ने मुझे आई लव यू का SMS भेजा है। मतलब तुम अब मेरी नहीं रहोगी? बकवास बंद करो और जिसने SMS भेजा है ना उसको डांटो। नो दादाजी कोमल आंटी का फोन। हाँ तो ला ना, उसमें क्या मैं बात करता हूँ। बटन कौन सा दबाऊं? हरा वाला। हरा वाला ना। हेलो हेलो हेलो, बकवास बंद करो, तुमको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत को आई लव यू कैसे मैसेज भेजते हो लुच्चे ओवर? अरे कोमल बेटा शांत हो जा। अरे मैं चंपक बोलूं। चंपक चाचा आपके मोबाइल से मुझे आई लव यू का SMS आया था। अरे वो तो गलती से भेज दिया था। चंपक चाचा आप भी क्या, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो ना तो मुझे माफ कर दीजिए। हाँ अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ ओके चाचा ओके। अरे गोली कहाँ है, जरा बुला कर लाइए ना, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। ठीक है दादाजी, हम इसमें फोटो भी खींच सकते हैं। क्या इस फोन से फोटो खींच सकते हैं? हाँ। ये देखो ये देखो। हाँ। ये ना ये कैमरा है। हाँ। और ये वाला बटन ना। अच्छा अभी खींचो। दादाजी आ गया आ गया। ए दिखा दिखा दिखा, ये देखो ये देखो। हाँ
तुम यहाँ हो? चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, चलो। नहीं पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। नहीं बेटा, स्कूल तो जाना ही चाहिए। हाँ, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, चलो। मुझे टप्पू के साथ खेलना है। तुम्हारी स्कूल बस कितने बजे आती है? अरे अभी टाइम है, अब बैठो ना, और दिखा दो मैं आपको। और क्या क्या दिखा दिखा दिखा। इसके अंदर गेम भी है दादाजी, इसमें पुलिस के भी गेम है। अच्छा, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे बाप रे, फोन के अंदर पुलिस? दादाजी मैंने सुना है लंदन में पुलिस को फोन करने पर वो 5 मिनट में आ जाते हैं और फ्रांस में 4 मिनट में। अच्छा, और मुंबई पुलिस? पता नहीं। ए टप्पू, तो चल पता करते हैं। नंबर क्या है? 100। तो मुझे लगा के दे। हेलो पुलिस, हाँ सुनो, वो पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, हाँ उधर जल्दी से आ जाओ। अरे इधर बहुत बड़ी मारामारी हो गई है। अरे ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से आ जाओ। कौन मैं? अरे चंपक बोलो, चंपक। तो मेहता साहब, हाँ। अपना संडे का प्रोग्राम फिक्स है? पक्का, मैं अंजलि को बोल देता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं, हम खाली जेंट्स लोग जा रहे हैं क्या? मौसम बढ़िया है तो मजा आएगा। यानी मौसम भी है, मौका भी, और दस्तूर भी। हाँ ठीक है, 10 रुपए को भी बोल देते। जेठालाल तुम भी यार। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। पुलिस? ये हमारी सोसाइटी में पुलिस क्यों आ गई? आप भी इधर ही रहे भाई, क्या किया आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया जेठालाल। इदरा। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे इदरा। ये चंपकलाल का घर किधर है? हाँ ये सीढ़ी से ऊपर जाएंगे ना। चंपकलाल क्यों, क्या हुआ? इमरजेंसी में फोन किया, मारामारी हो गया बोले इधर। ए पुलिस, बहुत देर कर दी आने में, पूरे 25 मिनट बाद आए हो। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मैं देखना चाहता था कि फोन करने के बाद ये पुलिस कितनी देर बाद आती है। ओह, थोड़ी देर के लिए मेरा तो धबकारा बढ़ गया बापूजी। मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ क्योंकि क्या, जब से आप गांव से आए ना, मेरे आजू बाजू पुलिस ही पुलिस है। टाइम पास समझ के रखा है क्या? हाँ, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पुलिस को परेशान कर दो। अरेस्ट करो क्या तुम लोग को? ये भाई हमारा हक है जानना। बापू जी इनका हक है आपको अंदर करना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बापू जी है, गाँव से है, मुंबई में नए नए बुजुर्ग आदमी है। अरे नया है तो क्या किधर भी फोन करने का? मेहता साहब समझा जाए ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बुजुर्ग आदमी है, उनका इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, फिर भी आपको कोई तकलीफ हुई है तो हम लोग माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है ठीक है, इस बार वार्निंग दे के छोड़ देता है, लेकिन आइंदा ऐसा किसी को फोन भी नहीं करने का। थैंक यू बापूजी, फिर ऐसा कभी मत करना। अरे डरता क्यों है, ये पुलिस हमारी सेवक है। सॉरी, जाइए जाइए। रुकिए, आए हैं तो चाय पीकर जाइए। नहीं नहीं थैंक यू। इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। चंपकलाल जी के हाथ में मोबाइल आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और ये हंगामा हो गया। जेठालाल ने मोबाइल दिलाया था सुविधाओं के लिए, सहूलियत के लिए, लेकिन ये सहूलियत तो मुसीबत में बदल गई। खैर ये तो शुरुआत है, आगे आगे इस मोबाइल से क्या होगा ये देखना पड़ेगा। इब्तदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं नहीं, वो ईसा फूल का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छा तो वो चटपटा चूरन ही है, वो लेकर आओ। अरे कब्ज में चूरन नहीं, सब गुल खाते हैं। जो बोला वो करने। ठीक है, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। क्या? चूरन तो नहीं है, ये सब गुल ले लो ना।